कुछ कहा जा चुका है जो कांग्रेस के साथ आपकी पार्टनरशिप नहीं हो पाई यूपी तीन स्टेट्स के अंदर, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस का और बीजेपी का वोट प्रतिशत है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, और चूंकि आपका जो वोट प्रतिशत है करीब 6-6.5% के हिसाब से, उसकी वजह से कहीं जो चुनाव के नतीजे हैं वो कांग्रेस के खिलाफ न चले जाएं। देखिए, ये जिम्मेदारी उन सभी लोगों की है। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न है, उन्होंने पहले भी हर मौक़ों पर दिखाया है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जब उपचुनाव थे तो हमने समाजवादी पार्टी के लिए काम किया और वहाँ पर बहन मायावती जी के नेतृत्व में हमने उनको जिताने का काम किया। हमने कर्नाटक के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनने दी। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अगर बहन मायावती जी जिस प्रकार से कह रही थीं कि सम्मानजनक हम लोगों का अगर हिस्सेदारी भागीदारी होगी तो हम लोग ज़रूर मिल के लड़ना चाहेंगे, पर कांग्रेस पार्टी अगर ये समझे कि वो पुराने सामंतवादी सोच के हैं, राजाओं महाराजाओं की पार्टी हैं, तो बहुजन समाज पार्टी ये सही है। इस देश में दलितों की, ओबीसी की, मुस्लिम्स की, जो सर्व समाज के गरीब लोगों की पार्टी है, पर इस तरह के हुक्म को हम लोग नहीं सुनेंगे न मानेंगे। हम बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो इस देश के मेहनतकश लोग हैं, किसान लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको संगठित कर रहे हैं, उनके काम करते हैं, उनके पार्टी हैं, और हम देखेंगे कि इस चुनाव के अंदर भी उन ताकतों की आवाज़ बहन मायावती जी बुलंद करेंगे। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ममता दीदी एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रही हैं, वैसे ही मायावती भी गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही हैं कांग्रेस से अलग। आपने INLD से हाथ मिलाया हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी से हाथ मिलाया, और किन स्टेट्स में आपको लगता है कि आपके साथ पार्टनरशिप हो सकती है वहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं, और क्या एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए 2019 में, क्या मायावती जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बन के उभर रही हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को बहुत दिक्कत हो रही है? देखिए, ये 2019 में क्या होगा ये उसका उत्तर 2019 में भारत की जनता देगी, पर 2018 में हमने देखा जब कर्नाटक के चुनाव हो रहे थे तो उस समय HD कुमार स्वामी ने कहा कि इस देश में बहन मायावती जी योग्य प्रधानमंत्री हैं। उनके कई अन्य पदाधिकारियों ने भी इस बात को जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे जैसे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी देखा। अभी हाल में हमने देखा कि चौटाला साहब ने हरियाणा में एक बड़ी रैली गोहाना के अंदर जो हरियाणा में हुई थी उसमें इस बात को घोषित किया कि इस देश में बहन मायावती जी ही एकमात्र ऐसी नेता है जो इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। उसके पीछे कारण भी है कि वो 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने मिलीजुली सरकार भी चलाई है और अकेले भी सरकार चलाई है और सफलतापूर्वक चलाई है विकास के दृष्टिकोण से, और बाकी जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है उन सब भी सवालों के दृष्टिकोण से। तो इसलिए ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं कि बहन मायावती जी को ही इस समय आगे बढ़कर देश को एक नई दिशा देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो अपना फैसला खुद करेंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अन्य पार्टियां हो, वो अपना निर्णय लेने के लिए छंद हैं और वो फैसला खुद करेंगे। आपको लगता है कि मायावती जी राहुल गांधी से बेहतर विकल्प हो सकती हैं प्रधानमंत्री पद के लिए? विपक्ष का जो उम्मीदवार होगा, उनका जो प्रशासनिक क्षमता है, उनका जो कार्यकाल रहा है बतौर मुख्यमंत्री, उसको देखते हुए? अब ये तो देश के लोग जानते हैं और वो लोग खुद तय करेंगे। बहन मायावती जी 4 बार इस देश की सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश की सफल मुख्यमंत्री के तौर पर जानी जाती हैं, और बाकी लोगों ने कितना प्रशासनिक अनुभव है, कितना पार्टी के नेतृत्व का अनुभव है, अगर वो तुलना आप मीडिया के लोग भी और देश की जनता खुद तय करेगी और फैसला लेगी। हमारे लिए, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए, देश के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और सर्व समाज के सभी गरीब लोगों के लिए बहन मायावती जी इस समय सबसे उपयुक्त नेता है। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।